బైక్ సౌండ్ వస్తుంది. मिला के लगभग 10.5 लाख का आइटम्स का बरामद और रिकवरी हुआ, और इसमें जो हाउस बर्गलर का नाम है जिसे गिरफ्तारी हुई है वो है हबीब अजमत, और जिन्होंने 3 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस रिसेंटली किए थे जिसका डिटेक्शन हुआ. ये किशनबाग का रहने वाला है, और इसके साथ एक इसका जो साथी है, जो क्रिमिनल है, वो शेख शाहरुख है. वो भी ऑटो ड्राइवर है और अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो रहने वाला चादर घाट एरिया का. इसके पास से जो पुराने केसेस भी डिटेक्ट हुए हैं संतोष नगर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के, और इसमें हमारे जो ऑफिसर्स अच्छा काम किए, संतोष नगर पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ, और उसके अलावा एडिशनल डीसीपी चक्रवर्ती के लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन एस राघवेंद्रा, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर एन श्री साइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन, वी नरेंद्र, के चंद्र मोहन, ये लोग सब मिलकर इस केस को डिटेक्ट किए और इस क्रिमिनल को अरेस्ट करके आइटम रिकवर किए. दोस्तों, आज इस संक्रांति के फेस्टिवल पे आप लोगों को एक बार फिर से मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अपने हॉलीडे का प्लान सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें. व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे कुछ लोग अपना प्लानिंग शेयर करते हैं और इसी तरीके से उनका इंफॉर्मेशन बाहर लीक होता है, और फिर क्रिमिनल को पता चलता है कि ये घर इस तारीख को खाली है, जिसमें कि वो चोरी करने का कोशिश करते हैं. दूसरी चीज़ है कि ऐसे मौके पे सीसीटीवी कैमरा की अहमियत ज़्यादा मालूम होती है. अब नए नए टेक्नोलॉजी भी सीसीटीवी कैमरा में आ गए हैं और बहुत से लोग हैदराबाद में उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोशन डिटेक्शन. अगर आप सीसीटीवी कैमरा ऑन करके बाहर चले गए और घर में अगर कोई मूवमेंट आपका हुआ, कोई अचानक आदमी कोई घुस गया, तो आपको उसका मैसेज आपके सेलफोन पर आ जाएगा. पुलिस स्टेशन में अगर आप चाहें तो वहाँ भी मैसेज चला जाएगा. इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने से आप अपने घर को सेफ रख सकते हैं और क्रिमिनल्स को जल्दी अरेस्ट भी कर सकते हैं. तो एक बार फिर आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू.